हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमानत ड्रामे के अदाकारों की असल फैमिली के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं अमानत ड्रामे का लीडिंग रोल अदा करने वाली सबूर अली के बारे में। सबूर अली का जन्म 5 मार्च 1990 में पाकिस्तानी शहर लाहौर में हुआ था और सबूर अली ने 2011 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। और सबूर अली पाकिस्तान की फेमस एक्टर सजल अली की बहन है। और सबूर अली ने 22 जनवरी 2022 में पाकिस्तान के फेमस एक्टर अली अंसारी से शादी की। और सबूर अली का एक भाई भी है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं अमानत ड्रामे का लीडिंग रोल अदा करने वाले अदाकार सैयद इमरान अब्बास नकवी के बारे में। इमरान अब्बास का जन्म 15 अक्टूबर 1982 में पाकिस्तानी शहर इस्लामाबाद में हुआ था और इमरान अब्बास ने 2013 में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। इमरान अब्बास पेशे से मॉडल, सिंगर और एक एक्टर है। और 2005 में इमरान अब्बास ने अलीना अब्बास से शादी की थी, जो ज़्यादा टाइम ना चल पाई और उनकी डिवोर्स हो गई। दोस्तों आइए अब बात करते हैं उर्वा हुसैन के बारे में। उर्वा हुसैन का जन्म 2 जुलाई 1991 में पाकिस्तानी शहर कराची में हुआ था और उर्वा हुसैन ने 2005 में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा था। और उर्वा हुसैन ने 2016 में फरहान सईद से शादी की। फरहान सईद खुद पाकिस्तान का एक सिंगर है और ये शादी ज़्यादा टाइम ना चल पाई और इन दोनों की डिवोर्स हो गई। और उर्वा हुसैन की बहन का नाम मारवा हुसैन है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं हारून शाहिद के बारे में। हारून शाहिद पेशे से मॉडल और एक एक्टर है। हारून शाहिद का जन्म 29 दिसंबर 1989 में पाकिस्तानी शहर कराची में हुआ था और हारून शाहिद ने 2016 में समारा से शादी की थी और इनके दो बच्चे भी हैं। और हारून शाहिद ने 2013 में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा था। दोस्तों आइए अब बात करते हैं गौहर रशीद के बारे में। गौहर रशीद का जन्म 2 मई 1981 में पाकिस्तानी शहर लाहौर में हुआ था। गौहर रशीद पेशे से आरजे और एक एक्टर है। गौहर रशीद ने 2007 में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा था और गौहर रशीद ने अपनी बीवी की तस्वीर आज तक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की। दोस्तों इन सब अदाकारों में से आपको कौन सा अदाकार ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको अमानत ड्रामा पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।